아빠가는 짜증이 나면 그냥 지금 좀 변해야지. 아니 근데 그 안 해도 쏠까? 공항이어던거 빨리 줘. हंसी मजाक में बैठे हुए थे तो बात चल रहा था तो हुआ कि एक फिल्म बनाया था जी। मेरा पहले से भी ऐसा थिंकिंग था कि ये फिल्म एक फिल्म हम लोग कौन जी के जीवनी के ऊपर बनानी है। डिसाइड किया तो पूरी तरह से तो जीवनी तो नहीं किया गया, बट उनके बचपन के जो शरारतें हैं या किस टाइप से वो स्ट्रगल करके आगे आए किसी को मद्देनजर रखते हुए। आपके बचपन के दोस्त हैं तो बचपन के बहुत सारे किस्से भी आपको याद होंगे, कौन जी की शरारत, हंसी मजाक शेयर करना चाहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा अगर हो। मेरे हिसाब से कौन जी को सारी इंडस्ट्री जानते हैं, आप लोग और अच्छे से जानते हैं। जहाँ तक बात बचपन की रही, कौन जी बहुत शरारती जी, बचपन में बहुत शरारत किया करते थे। शरारतों के बारे में बताया जाएगा तो मतलब हंस हंस के आप लोग तो कुछ तो बताइए कम से कम, हम लोग एक बार तो हंसे। पवन जी जब गांव में रहते थे, या आज का भी मैं उनका बताना चाहूँगा, मैं भी आज भी मैं और वो एक ही साथ एक घर में रहते हैं मुंबई में भी। पवन जी जैसे जहाँ 10 लोग हैं वहाँ पवन जी का एंट्री होता था तो लोग ये बोलते थे कि भाई पवन आ रहा है चलो गाँव, मतलब गांव में लोग का ये थिंकिंग रहता है। अब आ रहा है तो मस्ती स्टार्टिंग, तो अभी भी वो मस्ती करते हैं नीचे हम लोग साथ में रहते हैं तो मस्ती होते रहते हैं। अच्छा आप जब पहुँच जी गाँव जाते हैं उन दोस्तों से, जो लोग उनके गाँव में भी अभी दोस्त होंगे उन लोगों से मिलते हैं, तो आप पहुँच जी कैसे मिलती हैं, वो लोग कैसे मिलते हैं पहुँच से? बिल्कुल आज से पहले था, स्टार्टिंग दौर से था मिलने का इनका तौर तरीका, कोई चेंज नहीं हुआ स्टार्टर में, कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी पुराने दोस्तों को उसी तरह से मिलते हैं। खिलाओ ना जी, मतलब आप मत खिलाओ मेजबानी की किसकी आवाज में है ये गाना? ये गाना पवन जी की आवाज में। हम लोग डायरेक्टर साहब से चर्चा हुआ तो सजेस्ट किया कि हम लोग पाली जी को लाया कोई समस्या नहीं, बस बहुत जल्द ये हमको जहाँ तक लगता है बहुत जल्द, बहुत जल्दी।